शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टैक्स। मुंब्रा में रोड के किनारे चल रहे सर्विस सेंटर पर आज मनपा पानी पुरोठा विभाग ने आज कार्रवाई की है। ये कार्रवाई मनसे कार्यकर्ता इरफान सैयद ने RTI के जरिए जानकारी निकाली थी और उसके बाद खुद मनपा अधिकारियों के साथ आज पहुंचकर सर्विस सेंटर पर कार्रवाई करवाई। रेती बंदर के पास में एक सर्विस सेंटर पर कार्रवाई हुई और दत्तूवाड़ी के पास एक सर्विस सेंटर पर कार्रवाई हुई। मोटर पानी की जब्त की गई है, पानी की टंकी यहां से जब्त की गई है। मेन लाइन से पीने का जो पानी है, उस मेन लाइन में जो है पानी का कनेक्शन इस सर्विस सेंटर से लेकर जो चलाया जा रहा था, मनपा ने इस कनेक्शन को भी काट दिया है। एक तरफ जहां मुंब्रा शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पीने की पानी की काफ़ी किल्लत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंब्रा शहर में पीने का जो पानी का लाइन है, वहां से गाड़ी धुलने के लिए जो है पानी का इस्तेमाल कर सर्विस सेंटर चलाया जा रहा है। वहीं मनपा अधिकारी सालुंखे ने बताया है कि कार्रवाई शुरू होते ही सब अपना सर्विस सेंटर बंद करके वहाँ से हट जा रहे हैं, मगर मनपा मुंब्रा में चल रहे सर्विस सेंटर पर कार्रवाई अब जारी रखेगी। वहीं मनसे कार्यकर्ता इरफान सैयद ने बताया है कि वो इसका फॉलोअप लेते रहेंगे और मनपा से कार्रवाई कर गुनाह दाखिल करने की भी मांग की है। मनसे कार्यकर्ता इरफान सैयद और मनपा पानी पुरोठा विभाग के अधिकारी सालुंखे ने कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। इरफान भाई, मुंब्रा के सर्विस सेंटरों पर आपने जो है पानी पुरोठा विभाग से कार्रवाई की मांग की थी, RTI से भी जानकारी भी निकाला था, दरअसल कितने इलीगल सर्विस सेंटर है और आज कितने से कार्रवाई कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मुंब्रा कौसा में जो मैंने माहिती डाला था उसमें 65 सर्विस सेंटर हैं, जिसमें कि 42 इलीगल हैं, जिसमें कि करीबन 20 जो है हमको अंकुरित, जिसमें कि टीम मार करके चलाया जा रहा था, और उसमें सालुंखे साहब ने आज जो है हमारे साथ में हमको लेकर के कार्रवाई किया है दो में, और दोनों इलीगल पाए गए हैं, जिसकी जो है टाकी वगैरह मोटर वगैरह जब्त कर लिया है। देखते हैं, और भी साहब बोले हैं कि कंटिन्यू कार्रवाई जो वाई जंक्शन तक जितने भी सर्विस सेंटर हैं ये चालू रहेंगे। तो सर्विस सेंटर वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पानी फालतू में जो बहा रहे हैं, एक सर्विस सेंटर में अगर 5,000 लीटर जा रहा है तो मुंब्रा कौसा में यहाँ पर देखा है जो सर्विस सेंटर है उसमें पानी आता है, कौन सा पानी, टंकी का पानी है? नहीं, ये तो पीने का पानी है, ये तो बाकायदा जो मेन लाइन जाती है उसमें टी मारा हुआ है। इसके ऊपर जो दो दो साल से तीन तीन साल से जो चला रहे हैं, इनके ऊपर FIR होगी। सालुंखे साहब ने कहा है इनके ऊपर केस होगा, ये जेल जाएंगे, क्योंकि बगैर जो है परमिशन लिए इन्होंने टी मार करके दो दो तीन तीन साल से सर्विस सेंटर में पानी फालतू बहा रहे हैं। तो मुंब्रा कौसा में और ऊपर पानी नहीं मिल रहा है, और 65 सर्विस सेंटर है, तो इसमें जो है अगर एक सर्विस सेंटर में 5,000 लीटर पानी जा रहा है तो 65 सर्विस सेंटर में कितना जा रहा है, तो ये बड़ा विषय है मुंब्रा कौसा का पानी की ज़्यादा होगी इसलिए तो। और ये किसी के सत्र छायापति में चल रहा है मार्गदर्शन में, वो मार्गदर्शन नहीं, मार्गदर्शन में कैसा है ना, ये आप देखेंगे ना कि जो सर्विस सेंटर है उसमें जो है बैनर लगा करके जो है वार्ड साहब का बाकायदा बैनर लगा करके सर्विस सेंटर चलाया जा रहा है। देखिए, इलीगल टी मार करके और उसमें वार्ड साहब का बैनर लगा करके चलाया जा रहा है। आप देखिए, ये आप जो है नंगा बाबा के बाजू में देखिए कि सर्विस सेंटर में जो है बैनर लगा हुआ है। आप रेती बंदर में मुंब्रा स्टेशन से उतरिए, आप उनका बैनर लगा हुआ है और उसके ऊपर सर्विस सेंटर चल रहा है। तो ये किसी के छत्र छायापति में जो है, तो पानी पुरोठा विभाग ने दो जगह पर कार्रवाई की है, दो सर्विस सेंटर पर। अभी मुंब्रा शहर में ऐसे बहुत सारे, तो आपको क्या कहा गया है, कब तक कार्रवाई? नहीं, मुझसे कहा है सालुंखे साहब ने कि इसमें कंटिन्यूस कार्रवाई होगी और होती रहेगी,
और जो इलीगल है उन पर FIR भी होगी। और मैं यही भी चाहता हूँ मैं मांग चाहता हूँ सालों के हिसाब से कि इनके ऊपर FIR करें। मुंद्रा शहर में रीति बंदर से लेकर देखा जा रहा वाजे सेक्टर कई सर्विस सेंटर है और आज आप लोग कार्रवाई करने के लिए निकले थे, कितने सर्विस सेंटर पर कार्रवाई हुई और क्या क्या आप लोगों ने गलती की है, क्या मुला दाखिल वगैरह आप लोग? थाने रेती बंदर मुंब्रा प्रभाग समिति में रेती बंदर से लेके वाई जंक्शन तक जो भी सर्विस सेंटर है करीब करीब 15-16 सर्विस सेंटर है। तो अभी रमजान महीना चालू है, लोगों को पीने के लिए पानी की समस्या और होती है, समर सीजन की वजह से भी पानी की डिमांड बढ़ती है। तो बहुत सारी कंप्लेंट ये आ गई थी कि पीने का पानी जो है वो सर्विस सेंटर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। माननीय आयुक्त महोदय को भी ये कंप्लेंट लिखित में कई लोगों ने दी थी, कई लोगों ने RTI के माध्यम से भी ये सारे सवाल पूछे थे और पानी पुरोटा की कहीं ना कहीं बदनामी हो रही थी इसमें। तो हमने आज किसी को बिना बताए कार्रवाई चालू की, उसमें हमने एक रेती बंदर के मेन लाइन पे एक कनेक्शन पाया और वो कनेक्शन सर्विस सेंटर के लिए यूज किया था। तो उनके सिंटेक्स टैंक हमने जब्त किए हैं, मोटर जब्त की है और उसके ऊपर FIR भी दाखिल हो जाएगा। दूसरी दत्तवाड़ी में हमने कार्रवाई की है, लेकिन दत्तवाड़ी में वो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। और बाकी जितने भी सर्विस सेंटर है, हम ये मैसेज आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि पानी, पीने के पानी का इस्तेमाल आप सर्विस सेंटर के लिए करो मत। कोई सर्विस सेंटर को हम पीने का पानी मुहैया नहीं करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं। तो सारे लोगों को, सारे सर्विस सेंटर को मैं आह्वान कर देता हूँ कि भाई ये अपना कनेक्शन अगर है, आपने इलीगली लिया है तो थाने महानगर पालिका का पैसा भरो और वो सब बंद कर दो, नहीं तो आपके ऊपर बकायदा FIR करने की कार्रवाई पानी डिपार्टमेंट से की जाएगी। अभी भी देखा जा रहा है कंपनी के पास भी कहीं ऐसे रोड पर है, तो इन पर कब तक ऐसा कार्रवाई का? अभी कार्रवाई के दौरान आप भी उपस्थित थे तो आपने भी ये देखा कि जब हम कार्रवाई शुरू कर देते हैं तो सर्विस सेंटर को मालूम पड़ता है और सर्विस सेंटर बंद हो जाते हैं। तो यही एक कारण है कि दत्तवाड़ी के यहाँ का जो सर्विस सेंटर पे पूरी कार्रवाई नहीं हुआ। तो आप जो भी बता रहे हैं, जितने भी सर्विस सेंटर रहेंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सारे के सारे सर्विस सेंटर के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी।